कंगना के टीकू वेट शेरू में हुई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री। आखिर कंगना ने नवाज को क्यों कहा शेर, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉडीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों, कंगना रनौत की फिल्म आने वाली है टीकू वेट शेरू, और एक्ट्रेस ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए एक जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म में अब बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री हो चुकी है। दरअसल कंगना ने मंगलवार को अपने पहले डिजिटल प्रोजेक्ट टीकू वेट शेरू की अनाउंसमेंट की थी, और फिल्म में नवाज अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। इस खबर को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक तस्वीर शेयर किया। इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, वेलकम टू द टीम सर। वहीं कंगना ने प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके शेयर किया, हमारी जनरेशन की बेस्ट एक्टर ने टीकू वेट शेरू की टीम को ज्वाइन कर लिया है। हम अपने शेर को पाकर सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। वैसे नवाज कमाल के एक्टर है और हर फिल्म में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। फिर चाहे वो कॉमेडी एक्ट हो या फिर सीरियस, हर रोल को बखूबी निभाते हैं। आपको बता दें, इस फिल्म के जरिए कंगना प्रोड्यूसर के रूप में वेब सीरीज स्पेस में एंट्री ले रही है। दूसरी तरफ कंगना अब थलाइवी, धाकर, बेचल जैसी फिल्मों से बहुत सारी फिल्में लेकर धमाल मचाने को तैयार है। वही बात करें नवाज की, तो वो फिल्म जोगीरा सारा रारा में नेहा शर्मा के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। ये पहली बार होगा जब नवाज और कंगना एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं, और दोनों का फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, नेपो किड्स नहीं है, और दोनों ने बॉलीवुड में खुद को साबित भी किया है। दोनों कमाल की एक्टिंग करते हैं, तो फैंस को भी बेसब्री से इंतजार है ये जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने का। आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।